दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर हमारे डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में डीडी स्पोर्ट चैनल ऐड नहीं हो रहा है तो कैसे आप इस चैनल को अपने डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में ऐड कर पाएंगे। तो इसकी सिंपल और सही जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को आपने डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स के अंदर 100% ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर डीडी स्पोर्ट चैनल को अपने डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले रिमोट का मेन्यू बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आ जाना है प्रोग्राम सेटअप में और उसके बाद ऐड न्यू प्रोग्राम में चला जाना है। ऐड न्यू प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुल के आता है। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको कुछ फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स करनी होगी और उसके बाद सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना होगा तो चैनल आपके सेटअप बॉक्स में ऐड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंसी सेटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर एलएन फ्रीक्वेंसी आपको 09750 रखना है दोनों जगह। उसके बाद में यहाँ पर ट्रांस फ्रीक्वेंसी 11551 रखना है, सिंबल 29500 यहाँ पर रखना है, पोलिटी यहाँ पर वर्टिकल रखना है, 22 की सिक्योरिटी ऑफ रखना है, मोड को यहाँ पे ऑल की जगह आपको फ्री करके रखना है। उसके बाद में सिग्नल क्वालिटी नीचे देखना है, यहाँ पे सिग्नल आपको मिलना जरूरी है। अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है तो सिंपली सबसे पहले डिस्को आपको अलाइनमेंट करना होगा और यहाँ पर सिग्नल आपको लेकर के आना हो। उसके बाद यहाँ पर सिंपली रिमोट का ओके बटन आपको दबाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर रिमोट का ओके बटन दबाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रिमोट का ओके बटन दबाया, देख सकते हैं यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पे हमारे चैनल स्कैनिंग में आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो चैनल है हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए हम यहाँ से बैक चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये चैनल हमारा कहाँ पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट यहाँ पर 305 नंबर पर ये चैनल हमारा ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपके सेटअप बॉक्स में ये चैनल किसी कारणवश ऐड नहीं हो रहा है और आप इस चैनल को ऐड करना चाहते हैं तो जो मैंने तरीका बताया है उसके द्वारा इस चैनल को आप आसानी से अपने सेटअप बॉक्स के अंदर ऐड कर पाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें।